हेलो दोस्तों, कई प्रेग्नेंट महिलाएं पानी पीने के लिए बॉटल का इस्तेमाल करती हैं, पर दोस्तों क्या बॉटल सेफ होता है प्रेगनेंसी के दौरान? आप मुंह लगाकर पिए? दोस्तों, बॉटल से पानी पीना प्रेग्नेंट महिला के लिए काफी नुकसानदेह होता है। तो अब आप सोच रही होंगी, फिर जो पानी का बॉटल होता है उसका क्या करें? बॉटल दो तरीके का होता है दोस्तों। एक तो मार्केट्स में मिलता है, जो आप घर पे लाती हैं उसमें पानी भरती हैं, फ्रिज में रखती हैं, या ऐसे भी उसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए करती हैं। और दूसरा बॉटल वो होता है जो मिनरल्स वाटर का होता है, जो एक लीटर, आधे लीटर या बड़े भी होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करती हैं। जिसमें पहले से ही पानी भरा होता है आप उसका इस्तेमाल कर फिर अगर उसमें पानी भर के इस्तेमाल करती हैं, पानी पीती हैं, भले ही वो बॉटल मिनरल वाटर का क्यों नहीं हो, पर अगर आप दोबारा उसमें पानी भर के पीती हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं, बॉटल के ऊपर पर ही लिखा होता है पानी पीने के बाद इसे क्रश कर दो, दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। जो बॉटल आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं और पानी भर के रखती हैं, वो प्लास्टिक उच्च कोटि का नहीं होता, वो बहुत हानिकारक होता है, खासकर प्रेग्नेंट महिला के लिए और घर में पल रहे शिशु के लिए। तो इसके क्या नुकसान होता है? कोई भी बॉटल को अगर आप दोबारा इस्तेमाल करती हैं तो वो हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि जब दोबारा आप पानी भरती हैं तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पहले से मौजूद होता है, और वो बैक्टीरिया गर्भनाल के द्वारा शिशु तक गर्भ में पहुंचता है। इसी वजह से शिशु का विकास रुक जाता है। और आप सोचती हैं कि शिशु का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, शिशु का वजन कम क्यों है? दोस्तों, आप जिस बॉटल में पानी पीती हैं उस बॉटल को कई लोग साफ करते ही नहीं है दोबारा, तो जब आप साफ नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया होगा। मान लीजिए उसमें 10 बूंद पानी रह गया, दोबारा आपने फिर से भर दिया तो क्या होगा? वो पानी में पहले से ही डस्ट है, पानी में पहले से ही गंदगी है, दोबारा आपने फिर से भर लिया और उसी का इस्तेमाल आप कर रही होती है। ज्यादा दिन तक किसी बॉटल का आप इस्तेमाल करती हैं या उसमें पानी रखने के लिए करती हैं तो ये सेफ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बिस्फिनॉल ए होता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। बिस्फिनॉल ए एक विषैला पदार्थ होता है जो प्रेग्नेंट महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए खतरनाक होता है। साधारण मनुष्य भी अगर लंबे समय तक ऐसे पानी का इस्तेमाल करें तो उन्हें भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। प्रेग्नेंट महिला अगर इसका इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें सांस संबंधी समस्या, पाचन से जुड़ी समस्या, कमजोरी महसूस होने की समस्या के साथ साथ प्रेग्नेंट महिला का इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाता है। इसके साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास, शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, बड़ी समस्याएं एकदम से नहीं होती, एकदम से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे ही कोई छोटी समस्या बड़ी हो जाती है। इसलिए आप हमेशा वैसे चीजों से ही पानी पिए, वैसे बर्तन से ही पानी पिए जिसकी साफ सफाई रोजाना होती हो, और गर्भावस्था के दौरान बोतल से पानी पीने की आदत को छोड़ देना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो कभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आशा करती हूँ आप मेरी बातों को समझ गई होंगी और इसे मानेंगी भी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।